5. Mixed letter coding decoding useful for all type of competitive examinations. तो ये जो टाइप का कोडिंग डिकोडिंग है ये अक्सर हर टाइप के एग्जाम में आता ही है ना। तो देखते हैं इस टाइप के जो मिक्स टाइप का कोडिंग डिकोडिंग को कैसे सॉल्व करना है। तो इन मिक्स लेटर कोडिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन 3 or 4 कंप्लीट मैसेज आर गिवन इन द कोडेड लैंग्वेज एंड द कोड फॉर अ पर्टिकुलर वर्ड इज आस्क टू एनालाइज सच कोड एनी टू मैसेज बियरिंग ए कॉमन वर्ड आर पिकअप। ठीक है ना। द कॉमन कोड वर्ड विल मीन्स दैट वर्ड प्रोसीडिंग सिमिलरली बाई पिकिंग अप ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन अप टू द एंटायर मैसेज कैन बी एनालाइज। तो इस मिक्स टाइप में क्या रहता है कि कोड में कुछ एक सेंटेंस रहेगा और उसमें से अपने को एक पर्टिकुलर वर्ड फाइंड आउट करना है। ठीक, देखते हैं एग्जाम्पल लेके। If ISHITOLTOINM तो ये जो है कोड वर्ड में है इज स्टैंड फॉर नीट एंड टाइडी। ठीक है ना। तो ये कोड वर्ड में है और इसका जो मीनिंग होता है वो नीट एंड टाइडी। दूसरा जो देखे QPR INM एंड SEN ये जो है इसका जो मीनिंग है दैट इज स्मॉल बट नीट एंड SHM SEN RSO इसका जो मीनिंग है दैट इज स्टैंड्स फॉर गुड बट एरेटिक। ठीक है ना। अब गुड बट एरेटिक SHM SEN RSO इसका मीनिंग है गुड बट एरेटिक। हॉट वुड बट स्टैंड फॉर अब बट का मीनिंग क्या है अपने को इसमें से निकालना है। कोड वर्ड में इसका मीनिंग क्या है तो सबसे पहले अपने को देखना है कि बट किस में है। ये जो है नीट एंड टाइड इसमें बट नहीं है। स्मॉल बट नीट इसमें बट है और गुड बट इरेटिक तो ये दो जो सेंटेंस है इसमें बट है। ठीक है ना। अब ये दोनों में कॉमन वर्ड कौन सा है। ये जो है QPR QPR INM और SEN। ठीक। अब गुड बट इरेटिक इसका मीनिंग क्या है कोड वर्ड में SHM SEN एंड RSO। ठीक है। तो देखना है हमको बट कौन से दो वर्ड में है तो ये दोनों में है। इसका दोनों का कोड वर्ड लिख लिया। अब दोनों में कॉमन क्या है SEN SEN दैट मीन्स ये दोनों वर्ड में कॉमन क्या है बट इसमें भी बट और ये कोड वर्ड में SEN SEN दैट मीन्स SEN क्या होगा बट का मीनिंग होगा है ना। तो आंसर क्या आएगा SEN। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज COLTIPMOT ये कोड वर्ड में है इसका मीनिंग जो होता है सिंगिंग इज एप्रिशिएबल। MOTBHAMIN इसका मीनिंग है डांसिंग इज गुड। TIPNOPBHA इसका मीनिंग जो है सिंगिंग एंड डांसिंग। अब इसमें जो पूछा गया है कि गुड गुड का मीनिंग क्या है। अब ये जो वर्ड है इसमें गुड किस में है सिंगिंग इज एप्रिशिएबल डांसिंग इज गुड एंड सिंगिंग इज सिंगिंग एंड डांसिंग। अब गुड जो है एक ही इसमें है ना एक ही सेंटेंस में गुड है कॉमन तो है नहीं। अब इसमें से क्या करना पड़ेगा ये जो डांसिंग और इज का मीनिंग हटा के जो बचेगा वो हमारा गुड होगा। अब डांसिंग किस में कॉमन है वो हमको देखना है तो ये दो वर्ड में डांसिंग है। इज किस में है ये दोनों वर्ड में इज है। तो देखो COLTIP और MOT
ठीक, इसका मीनिंग क्या है, सिंगिंग इज एप्रिशिएबल, और MOTBAJMIN, तो इसमें MOTBAJ और MIN इसमें कॉमन क्या है, MOT दिख रहा है कॉमन, ठीक, तो ये दो वर्ड में सिंगिंग इज एप्रिशिएबल एंड डांसिंग इज गुड, ये दोनों वर्ड में कॉमन क्या है, इज, और ये इसका कोड वर्ड में कॉमन क्या है, MOT, इसका मतलब इज का मीनिंग है MOT, इसका मीनिंग MOT। अब दूसरा जो है डांसिंग, डांसिंग का मीनिंग निकालेंगे तो रिमेनिंग जो रहेगा वो हमारा गुड होगा, तो डांसिंग ये दोनों वर्ड में कॉमन है ना, MOTBAJMIN और TIPNOPBAJ। अब BAJBAJ है वो कॉमन है, देख यहाँ पे एक बार लिख के देखते हैं, MOTBAJ और MIN और इसमें है टिप नॉप BAJ, ठीक। अब डांसिंग इज गुड, सिंगिंग इज एप्रिशिएबल, तो डांसिंग इज गुड, सिंगिंग एंड डांसिंग, तो इसमें अपना डांसिंग जो है कॉमन है, तो ये दोनों वर्ड में कॉमन वर्ड कौन सा है, BAJ एंड BAJ, इसका मतलब डांसिंग का मीनिंग आता है BAJ। डांसिंग दैट मीन्स BAJ, तो BAJ इज डांसिंग। अब हमको चाहिए गुड, गुड का मीनिंग क्या आएगा, तो MOT का मीनिंग मालूम हो गया इज, BAJ का मीनिंग है डांसिंग, दैट मीन्स गुड्स का मीनिंग क्या है, मीन, गुड इज मीन, तो सेकेंड आंसर जो है वो करेक्ट आंसर मीन। और एक एग्जांपल लिखते हैं, इन सर्टेन कोड BINIPI मीन्स सम गुड जोक्स, NIBATLIK means some real stories, and PILIKTOL means many good stories. तो which word in that code means jokes? अब jokes का meaning क्या है code word में? अब देखिए यह है some good jokes, ये sentence में jokes है, और some real stories and ठीक है, गुड जोक्स एंड सम रियल स्टोरी, पायलिक मीन्स मेनी स्टोरीज, तो जोक्स। अब हमारा ये जो है दोनों सम और गुड, अगर इसका मीनिंग मालूम हो गया तो जोक्स का मीनिंग ऑटोमेटिक मालूम हो जाएगा। तो अब देखिए सम ये दोनों में कॉमन है, सम NIBATLIK है, NI और NI कॉमन है, इसका मतलब सम का मीनिंग क्या आएगा, ये दोनों वर्ड में कॉमन क्या है, सम, इन दोनों में वर्ड में कोड वर्ड में NI, तो सम का मीनिंग है NI। ठीक, NI। अब गुड का मीनिंग फाइंड आउट करना है, तो गुड सम गुड जोक्स और इधर है मेनी गुड स्टोरीज, तो ये दोनों वर्ड में कॉमन क्या आएगा, BINIPI और इसका जो है PILIKTOL, तो ये PI जो दिख रहा है वो तुम्हारा कॉमन है, PI, तो इसका मतलब गुड ना, गुड का मीनिंग क्या आएगा, PI।
PIE. तो अब जो है सम गुड जोक्स, तो सम का मीनिंग मालूम हो गया NIE, गुड का मीनिंग हो गया PIE, तो बचा जो है जोक्स, उसका मीनिंग क्या आएगा बाय, तो आंसर क्या है BI. और एक क्वेश्चन, इन ए सर्टन कोड PITDARNA means you are good, DARTOKPA means good and bad, team NAK, TIMNATOK means they are bad. तो इन दैट लैंग्वेज विच वर्ड स्टैंड फॉर दे, अब दे का मीनिंग क्या आएगा. सेम उसी प्रकार से दे किसमें है, इसमें है. अब आर एंड बैड का मीनिंग हमको पहले फाइंड आउट करना है, तो दे अपने आप निकल जाएगा. आर जो है किसमें है, ये वर्ड में है, ये सेंटेंस में और ये सेंटेंस में है, तो इसमें कॉमन क्या है PITDARNA, NA कॉमन है, इसका मतलब R का मीनिंग क्या है NA, R का मीनिंग है NA. अब हमको सेकंड क्या निकालना है, बैड. बैड कौन से दो वर्ड में, ये दोनों वर्ड में है ना, तो बैड बैड, यह है बैड बैड, इन दोनों में कॉमन क्या है, TOK दिख रहा है कॉमन, तो बैड का मीनिंग क्या है TOK, बैड दैट इज TOK. अब रिमेनिंग जो वर्ड है वो होगा हमारा दे, है ना, दे आर बैड. तो R का मीनिंग मालूम हो गया NA, TO का मीनिंग, अब जो बचा टीम उसका मीनिंग क्या होगा दे, तो सी इज द राइट आंसर, TIM इज द करेक्ट आंसर. लास्ट और एक क्वेश्चन देखते हैं. इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज PIC VIC विंटर, ये जो चारों वर्ड, अब इसमें हमको फाइंड आउट करना है समर का मीनिंग. तो समर ये दो वर्ड में है ना, तो दोनों में कॉमन क्या है RE, है ना, इसमें भी समर, तो RE जो है कॉमन है, दैट मीन्स RE जो होगा हमारा आंसर होगा. तो इस प्रकार से हम लोग ये जो मिक्स कोड जो रीजनिंग क्वेश्चंस है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. तो उम्मीद करता हूँ आप लोग पसंद करेंगे. अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुँचाएं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Please subscribe to watch more videos. Like, subscribe and share.